अब ये है तो हम नांगर फंसा के इसको और गहरी जुताई करेंगे इस जमीन, गहरी जुताई करके तो बीज डाली। जिस प्रकार से है तो खेती करनी ये है, ये गहरी जुताई दो बार करके और इसके बाद एक दो दिन हम छोड़ देंगे। इसके बाद है तो फिर बीच में फिर ये चारा साफ हो जाए तो अपन लोग तो दवाई करेंगे। इस प्रकार से भुरभुरी मिट्टी बन जाए। ये लेवा है जो बाड़ी में इसको मेड़ में रखे ताकि फिर दोबारा है तो बारी में नहीं आ सके। और ये जुताई ऐसे करे ताकि ये नीचे और ऊपर की मिट्टी भुरभुरी हो जाए जिसमें से अच्छी पैदावार। अभी एक दो दिन के लिए अब ये जुताई करके छोड़ दिए ताकि ये सूख जाए सूखने के लिए। और इसके बाद तो दो दिन के बाद है तो हम बुवाई करेंगे। मतलब ये जुताई करने से और एक दो दिन छोड़ने से है तो कीड़ा का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इससे है तो अपन को लाभ मिलता है, पैदावार होता है और जो ये कीड़ा का लगने वाला है वो कम हो जाता है। इससे होने वाले लाभ, कीड़ों का प्रभाव कम होता है, बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, पौधों में जड़ को काटने वाले कीड़े कम आते हैं। ये डिंडोरी जिला के सब किसानों जिस प्रकार से मतलब मैं अभी कमाई कर रहा हूँ इसी प्रकार से हर कोई कमाई करे। अभी हम चला रहे हैं कर रहे हैं खेती, इस प्रकार से अगर हर कोई किसान यदि करे तो अच्छी लाभ हो और अच्छी पैदावार हो ताकि एक से एक लगे रहे और एक दूसरे से भी अच्छी संबंध बनाए रहे ताकि किसानों को सलाह देते रहो ताकि अच्छी पैदावार हो जिसमें से तो आगे बढ़े किसान लोग। धन्यवाद। ऐसा है तो हर कोई किसान है तो अपना खेती के तैयारी बनाए। राम राम। मैं